भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच गुवाहाटी के बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीन टी20 मैच की सीरीज के दूसरे टी20 मैच में आज मंगलवार 10 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया ई टीम के युवा तेज गेंदबाज जेसन बेहनड्रॉफ ने अपनी शानदार तेज गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलिया टीम को सीरीज के दूसरे टी20 मैच में 8 विकेट से जीत दिला दी, जिसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया टीम में सीरीज भी 1-1 बराबर हो गई है। ऑस्ट्रेलिया टीम की इस जीत में हीरो रहे युवा तेज गेंदबाज जेसन बेहनड्रॉफ को उनके शानदार गेंदबाजी लिए चलते मैन ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और भारतीय टीम की पारी के पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद भारतीय टीम नियमित अंतराल में अपने विकेट गंवाती रही और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में अपने सभी 10 विकेट खोकर 118 रन का स्कोर ही बना पाई। भारत की तरफ फंसे सबसे ज्यादा 27 गेंद पर 27 रन की पारी केदार जाधव ने खेली, वही ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए जेसन बेहनड्रॉफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में 4 विकेट छिटकाए। ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंद बाद जेसन बेहनड्रॉफ को उनकी धमाकेदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। जेसन ने कंजूसी से गेंदबाजी करते हुए अपने कोटे के 4 ओवर में मात्र 23 रन लिए और भारतीय टीम के 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। मजबूत भारतीय बल्लेबाजी क्रम की किया तारीफ युवा तेज गेंदबाज जेसन ने मैन ऑफ द मैच लेते हुए अपने बयान में कहा, मुझे मेरे पिछले डेब्यू गेम में एक ओवर कराने को मिला था और सच बताओ तो मुझे उस एक ओवर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैच में खेलने का अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ था। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। पूरी भारतीय टीम एक शानदार बल्लेबाजी क्रम वाली टीम है, इसलिए ऐसी टीम के खिलाफ 4 विकेट लेकर मुझे काफी खुशी महसूस हो रही है। यह मेरे करियर के लिए एक शानदार शुरुआत है और मैं अब हैदराबाद में होने वाले गेम का इंतजार भी बेसब्री से करूंगा।